यदा यदा ही मनुष्यं नापहिरसि फेस कवचम तदा तदा ही कोरोना बढ़ाती इन्फेक्शनम। जे मानव ना मेंटेने सोशल डिस्टेंसनम ते मानव जीवनम कोरोना शीघ्र आगमन। धोवत न तत्पर हाथ जो मानव धोवत है जीवन से हाथ वो मानव। मैं कोरोना हूं, मैंने अपने अलग अलग रूपों में अलग अलग काल में हमेशा मनुष्य के साहस और धैर्य को परखा है। हर बार इसने मुझे परास्त किया है, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी से आया हूं। आइए दिखाता हूं इंसान की क्या हालत होती है। Northeast China hit by coronavirus infections. Wuhan reports new case. कितने ना समझ है ये लोग, इन्हें लगता है कि ये सुरक्षित है। आज अगर बाहुबली जिंदा होता तो उसे कटप्पा नहीं, कोरोना मार देता। इनके सारे वहम ना मिटा दिए तो मेरा नाम कोरोना नहीं। अभी तो खेल शुरू हुआ है, घर से बाहर तो निकलो, मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पूरू बेटा। हाँ मम्मा। बेटा आधा घंटा हो गया है, आप जाके हाथ धो लो। बेटा प्लीज ये मुंह में उंगली डालना बंद करो। क्यों डालना है हाथ बार बार? बेटा अगर आप हर आधे घंटे में 20 सेकंड्स के लिए हाथ धोओगे तो कोरोना आपके पास नहीं आएगा। ओके। इन्हें लगता है कि सिर्फ हाथ धोकर ये मेरे कहर से बच जाएंगे। ऑफिस तो जाएंगे, कहीं तो जाएंगे, जहां जाएंगे वहां मुझे पाएंगे। सार्स का, मार्स का, हाई जगह प्लेग का, सबका बदल लेगा रे तेरा कोरोना।
कौन हो? हाँ मम्मी। हाँ बढ़िया, वही खाना बनाने वाला था। हाँ बनाऊंगा ना। अरे कब तक उतना अंडा खाते रहूंगा यार, पिछले 30 दिन से वही तो खा रहा हूँ। हाँ आज मैं सोच रहा हूँ दाल बनाऊंगा। अरे बन जाएगा, इसमें क्या ही है। हाँ जीरा डालो, आलू डालो, तेल दो, नमक। अरे यार मैं देख लूंगा, मैं यूट्यूब में देख लूंगा, मुझे मसे। अच्छा बस एक चीज बताओ, वो जीरा वही है ना, वो पीले कलर वाला? हाँ ना, जो आपने लिया था लास्ट टाइम पीले कलर का। सरसों? अरे वो सरसों थोड़ी, वो तो जीरा है ना। तो सरसों आपको अच्छा नहीं लग रही क्या? अच्छा ठीक है मम्मी, तेल से अंडा खा के ही रहना पड़ेगा फिर। अंडा तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। देखा कर दी ना सबकी ऐसी की तैसी, सब तरफ परेशानी का मंजर है, सब तरफ हाहाकार है, तबाही मचा दूंगा, लुप्त कर दूंगा इन सबको, भावनाएं खत्म कर दूंगा, कौन बचाएगा इनको मुझसे। गरिमा बोल रही है चार से। हाय गरिमा, हाय कैसे हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? घर पे सब ठीक है? हाँ घर पे सब ठीक है। आपके यहाँ? बस सब ठीक है, बस ऐसे ही हालचाल जानने के लिए फोन किया था। हाँ मैं बस यही पूछ रही थी, आई होप कि तुम लोग, हम लोग एचआर से सब फोन कर रहे हैं सब ऑफिसर्स को, सो आई होप कि तुम मास्क वगैरह पहन रहे हो और सैनिटाइजेशन वगैरह का सारा प्रिकॉशंस कर रहे हो। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया? जी, आरोग्य सेतु डाउनलोड कर रखा है, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आप किसी कंटेनमेंट एरिया में तो नहीं हो ना? नहीं नहीं कंटेनमेंट नहीं है, सोसाइटी सेफ है, बस आसपास के केसेस सुनने को मिलते हैं, हम लोग तो सेफ हैं। अच्छा चलिए, अपना ध्यान रखना, इसीलिए फोन किया था, और कुछ भी अगर जरूरत हो तो फिर हम लोगों को ऑलवेज ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि इतनी मुश्किल घड़ी में भी तुमने समय निकाला। थैंक यू सो मच। ओके टेक केयर, सी यू लेटर। सेम टू यू, बाय बाय गाइस। ये इंसान तो बहुत हिम्मत वाला निकला, मेरे इतने डराने पर भी डरने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन घर पर बैठ के कैसे चला पाएगा इस दुनिया को? सब ध्वस्त हो जाएगा, सब जहां के तहां रह जाएंगे, आखिरकार जीत मेरी होगी, मैं जीत के ही दम लूंगा। हेलो। क्या यार, दिन भर में 5 बार कॉल किया तुझे, फोन क्यों नहीं उठाता है भाई? ओएनडी में इतना काम। अरे यार फुर्सत ही नहीं है यार, क्या बताएं। अरे अल्टरनेट डे काम हो रहा है तुम्हारा, लॉकडाउन लगा है, दुनिया बंद पड़ी है, तुम किस चीज में इतना बिजी हो रखे हो? अरे भाई रिपोर्टिंग कितनी बढ़ गई है देख रहा है, सुबह रिपोर्ट बना के भेजना पड़ता है, दोपहर शाम, और ऊपर से VC बैक टू बैक, फुर्सत ही नहीं है यार, मतलब काम बढ़ गया है, भले अल्टरनेट डे आ रहे हैं बट जिस दिन ऑफिस में उस दिन काफ़ी प्रेशर रहता है। हाँ यार रिपोर्टिंग तो काफ़ी बढ़ गई है, क्या कर सकते हैं। और भाई बता तेरे यहाँ कैसे चल रहा है? LPG में तो मैं सुन रहा हूँ कि प्रेशर वैसे का वैसा ही है,
बिल्कुल रिलीफ है नहीं। हाँ देखो, डोमेस्टिक कंजम्पशन तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, हमारे ऑपरेशंस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, इवन कभी कभी संडे भी ऑपरेट करते हैं। और हालात को देखो तो कोरोना के कारण 10 काम और बढ़ गए हैं, सब जगह एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। हाँ यार, वो तो है ही। ओएनडी में भी हम देख रहे हैं ना, खास करके जहाँ पे टीटी वगैरह लोड करते हैं तो ड्राइवर क्लीनर्स आ रहे हैं, तो बहुत प्रिकॉशंस लेना पड़ता है। इसमें हमारे खास करके नॉन मैनेजमेंट ने बहुत ही साहस दिखाया है, बढ़िया काम कर रहे हैं वो। सारा जो एडवाइजरीज हैं हमारे और जो प्रिकॉशंस लेने हैं उस सबका ध्यान में रखते हुए बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत ही मतलब मोटिवेटेड हैं वो लोग काम करने के लिए इस समय। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन की तुमको कहानी सुनाता हूँ। हमारे प्लांट के पास एक ब्रिज है जो दोनों डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, सीहोर और राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो इलेक्ट्रिशियन है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है, पुलिस ने बॉर्डर को बंद करके रखा था और ब्रिज से आने का कोई रास्ता नहीं था। वो नदी तैर के, हाथ में साइकिल रख के पूरा नदी तैर के पार करके और फिर उसने प्लांट पे आया, क्योंकि उसको पता था कि हमारा काम कितना इंपॉर्टेंट है। सोचो, ऐसे कोरोना वॉरियर्स भी हैं। गजब का काम किया भाई, इसको बोलते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। मानना पड़ेगा भाई, करो उस वर्कमैन के लिए कुछ, उसको मतलब मोटिवेट करने के लिए कुछ अवार्ड्स अवार्ड दे दो। हाँ, हमने कुछ अवार्ड के लिए हेडक्वार्टर को लिखा है कि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसके लिए प्लांट पे भी कुछ जरूर करेंगे। और भाई, और बाकी बताओ, घर पे सब ठीक ठाक? हाँ दोस्त, सब ठीक है, जानते ही हो, घर का काम भी बढ़ गया है, बाई भी नहीं आती है, तो सारे कपड़े धोने से लेकर सारा काम आजकल खुद से ही करना पड़ता है। हाँ पर यार, ठीक है, हम लोग अपना ध्यान रखेंगे। तुम अपना ध्यान रख रहे हो ना दोस्त? हाँ यार, मैं तो मतलब देख रहा हूँ अपने आप को, बट वही है, घर जाने पे डर लगता है। बच्चे छोटे हैं तो उनको समझ में नहीं आता, वो एकदम से दौड़ के आ जाते हैं। बस वही एक थोड़ा सा डर है, अदरवाइज सारे प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं, भगवान ठीक रखेगा सभी को। ओके, चलो दोस्त, ध्यान रखो अपना, बात करते रहो, है ना? ओके, चलो ओके, बाय। बाय बाय। आज फिर मनुष्य की जिद ने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। अभी इनकी और परीक्षाएं होना बाकी है, देखते हैं मेरे आगे कब तक टिके रह सकते। हम देश के पहियों को यूं ही चलाते जाएंगे, हर घर का चूल्हा जले ये फर्ज निभाते जाएंगे। एक एक कदम अब मिलके हम आगे बढ़ाते जाएंगे, कोरोना से जीत का ये कारवां बनाते जाएंगे। हम है खुशियाँ, हम है सपने, हम है संयम, हम है बल, हम है ऊर्जा, हम है उद्यम, हम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम।